बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स यू विल बी फाइन। टुडे 17 जुलाई 2020 फ्राइडे, लेक्चर नंबर 6 एंड योर डायरी इज कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। साथ में एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट और बुक पेज आपका 49 से 50। सो लेट्स स्टार्ट योर लेक्चर। बुक पे ओपन योर बुक पेज 49। आपका टॉपिक है कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। पीछे हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स की डिटेल, उसके यूजेस। अब हमने कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में पढ़ना है कि आपकी बुक पे कह रहे हैं मैनी थिंग्स ऑन द अर्थ आर नॉट एलिमेंट्स, सम ऑफ देम आर कंपाउंड्स एंड सम आर मिक्सचर्स। कि दुनिया में जितनी भी अर्थ पे चीज़ें हैं, ऐसा तो नहीं कि सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स के अलावा कुछ चीज़ें हैं वो कंपाउंड्स की फॉर्म में पाई जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं वो मिक्सचर्स की फॉर्म में पाई जाएंगी, एलिमेंट्स के अलावा ही हैं। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स के बारे में कहते हैं कि एलिमेंट्स, अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होंगे, केमिकली आपस में मिलेंगे, तो जो चीज़ बनेगी उसको हम कंपाउंड कहेंगे। When two or more elements combine chemically in a fixed ratio, a compound is formed. यानी कि एलिमेंट ही अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर आपस में मिलेंगे, लेकिन मिलना किस तरह से? केमिकली मिलेंगे। For example, water is the compound made of the elements hydrogen and oxygen. अब हमारे पास हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, पीछे हमने पढ़ा था, ऑक्सीजन भी क्या है? एक एलिमेंट है। कंपाउंड की डेफिनेशन हमने क्या करी पढ़ी है कि अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दोनों एलिमेंट्स हैं, केमिकली मिल रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली आपस में मिले हैं, एक न्यू चीज़ बन गई है वाटर, और वाटर हमारे पास बन गया कंपाउंड। अब इसमें देखें, आपको पता है वाटर कैसे बनता है? दो हाइड्रोजन मिलेंगे और एक ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन भी हमारे पास गैस की फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी हमारे पास गैस की फॉर्म में है, लेकिन जब ये दोनों केमिकली मिल गए हैं और वाटर बन गया है, वाटर एक कंपाउंड है, तो वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आता है, वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आता है। तो इनके मिलने के बाद, एलिमेंट्स के मिलने के बाद जो कंपाउंड बनते हैं उनकी फेज भी चेंज हो जाती है। कि एलिमेंट्स पहले गैशियस फॉर्म में थे दोनों, वो मिले हैं, कंपाउंड बना है, तो उसकी फेज चेंज हो गई है, वो लिक्विड फॉर्म में आ गया है। और इनको हम दोबारा से, जब वाटर बन गए, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते कि इनको दोबारा से आप इनमें से ये गैसेस निकाल लें, कहते हैं इनको सेपरेट करना मुश्किल है। देर आर 109 नॉन एलिमेंट्स पर देर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स। कहते हैं कि ये तो हमने काउंट किए हुए हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो तो 109 है, इनका तो हमें पता है, लेकिन जो कंपाउंड पाए जाते हैं वो थाउजेंड्स की तादाद में है, वो हज़ारों की तादाद में है। अब कहते हैं एलिमेंट्स इन आ कंपाउंड के नॉट बी सेपरेटेड ईजीली। अब वही बात आ गया कि अगर कंपाउंड एक दफ़ा बन गया है तो उसमें से हम एलिमेंट्स को आसानी से निकाल नहीं सकते। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज वैन दे आर कंपाइंड एज कंपाउंड, और उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं जब वो कंपाउंड बनती है। जैसे मैंने पीछे आपको बता दिया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पहले गैशियस फॉर्म में थे, लेकिन जब कंपाउंड बने तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ गया, और इनको बाद में हम सेपरेट भी आसानी से नहीं कर सकते। अब कहते हैं इन केस ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस गैसेस, दोनों का कलर नहीं होता, ना ही हाइड्रोजन का ना ही ऑक्सीजन का, दे हैव नो स्मेल और टेस्ट, ना ही इनकी स्मेल होती है ना ही टेस्ट होता है, इसलिए ना तो वाटर का कोई कलर है और ना ही वाटर का कोई ये टेस्ट है और ना ही इसकी स्मेल है। हाइड्रोजन विल बर्न वेरी क्विकली इन ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती है, लेकिन जब इसके साथ हाइड्रोजन मिल जाती है तो फिर दोनों जो है बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं। बॉथ ऑफ दिस गैसेज कम्बाइन टू फॉर्म वाटर विच इज़ अ कम्पाउंड, जब ये दोनों गैसेज मिलती हैं तो हमारे पास पानी बनता है जो कि एक कम्पाउंड है। वी कैन सी एंड टेस्ट इट, हम वाटर को देख भी सकते हैं और वाटर को टेस्ट भी कर सकते हैं, ये आप लोगों को पता है। अब आप लोगों का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 है ना, यहाँ पे देखें, राइट सम यूजेज ऑफ ऑक्सीजन इन आवर डेली लाइफ। ये ऑक्सीजन की डिटेल है, ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखें, डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंपाउंड्स, बुक पेज नंबर 49 से 50 तक। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है कंपाउंड्स, यहाँ से ठीक है, आपने एज इट वैसे ही राइट करना है, और यहाँ तक आपका जाएगा इधर तक, ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब उन्होंने कंपाउंड्स की आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, टेबल साल्ट,
अब जो नमक होता है हमारे पास NaCl जिसको कहते हैं, उसमें भी सोडियम और क्लोराइड एलिमेंट्स मिलते हैं, और हमारे पास जो चीज़ नेक्स्ट बनती है वो टेबल साल्ट बनता है, नमक बनता है, प्लास्टिक है ये भी हमारे पास एक कंपाउंड है, वुड है वो भी हमारे पास कंपाउंड है, यहाँ पे क्लॉथ्स दिखाए हुए हैं ये भी हमारे पास कंपाउंड्स है। कंपाउंड्स की हमेशा बात याद रखनी है, वो केमिकली आपस में मिलते हैं, केमिकली मिलते हैं और बाद में उनको सेपरेट करना भी मुश्किल हो जाता है, और जब केमिकली वो कंबाइन करके न्यू चीज़ बनाते हैं तो उनकी फेस चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स क्या हैं? मिक्सचर में भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलेंगे, इसमें केमिकली वो नहीं मिलेंगे, पीछे हमने कंपाउंड में वो केमिकली मिल रहे थे लेकिन इसमें केमिकली वो नहीं मिलेंगे। व्हेन टू आर मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन सच अ वे डैट नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, डिफरेंस ये है कि कोई भी केमिकल चेंज नहीं आएगा, होना इसमें भी ये है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी तो मिक्सचर बन जाएगा लेकिन कोई भी केमिकल चेंज नहीं आएगा, द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अ मिक्सचर। इस तरह के जो आपस में चीज़ों के मिलने के कॉम्बिनेशन को मिक्सचर कहते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास सैलिड, वो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इजीली बिकॉज दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, पीछे हमने पढ़ा था कंपाउंड में कि हम उन एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सर के जो एलिमेंट्स होंगे, मिक्सर जिन चीज़ों से मिलके बना होगा, हम उन चीज़ों को दोबारा से सेपरेट कर सकेंगे, क्यों? क्योंकि वो केमिकली आपस में कंबाइन नहीं हुए। ऑल द पार्ट्स इन अ मिक्सर कीप देयर ओन प्रॉपर्टीज़, हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो भी मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिली है ना, ऐसे नहीं कि मिलने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे इसमें तो कंपाउंड में प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही थी लेकिन मिक्सचर में उनकी प्रॉपर्टीज़ एज इट रहेंगी मिलने के बाद भी, मिक्सचर बनने के बाद भी। फॉर एग्जांपल सैलिड इन द बॉल, फॉर एग्जांपल आप उन्होंने सैलिड की एग्जांपल दी हुई है, अगर तो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मिक्सचर है, सैलिड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बना हुआ है, तो पहले भी जो टेस्ट फ्रूट का है, जैसा फ्रूट है वैसा ही होगा, वेजिटेबल जैसी हैं वैसी ही होंगी, और हम सैलिड बना देंगे तो सैलिड में भी उनका टेस्ट, शेप, हर चीज़ वैसे की वैसे ही रहेगी, उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होगी, बस डिफरेंस ये आएगा कि हमने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला दिया और वो मिक्सचर बन गई है। यू कैन टेस्ट दैम, हम उनको टेस्ट कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं हाउ कुड यू सेपरेट आयरन बटन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट बटन्स, अब वो कह रहे हैं कि आप आयरन के बटन को, एक मिक्सचर है हमारे पास उसमें डिफरेंट तरह के बटन है, कैसे सेपरेट कर सकते हैं? आयरन हमारे पास लोहा होता है तो हम मैग्नेट यूज़ करेंगे, तो मैग्नेट के साथ जो आयरन के बटन होंगे ना वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और जो बाकी बटन होंगे वो नीचे रह जाएंगे, हम इस तरह से उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, अब मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। जहाँ पे भी वर्ड आए होमो, होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसी, अब हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है? होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट, यानी कि मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो यकसां सेम एक जैसी हो सकती है और वो डिफरेंट भी हो सकती है। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या है? अ होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ यूनिफॉर्म अपेयरेंस थ्रू आउट, वो उसमें जो चीज़ें मिक्स की जाती हैं ना उनकी यूनिफॉर्म अपेयरेंस होती है, वो ऐसे लगता है जैसे एक ही चीज़ है उसमें, जो दूसरी चीज़ मिक्स की जाती है वो कम्प्लीटली उसमें डिजॉल्व हो जाती है। जैसे कि हम लोग पानी है हमारे पास, पानी में हम लोग या तो नमक डाल देते हैं या फिर हम लोग पानी में शुगर डाल देते हैं, तो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसमें टोटली उसके पार्टिकल जो हैं वो अपने आप को सेटल डाउन कर देते हैं। इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स डज नॉट हैव यूनिफॉर्म अपेयरेंस थ्रू आउट, उनकी यूनिफॉर्म अपेयरेंस नहीं होती, यानी कि हम क्या करें अगर हम पानी में ऑयल डाल दें, पानी की लेयर अलहदा रहेगी, ऑयल की लेयर अलहदा, उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं आएगी, जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स में सेटल डाउन नहीं होंगे, तो वो एक जैसी कंपोजिशन नहीं होगी, इसको हम हेट्रोजीनियस कंपोजिशन कहेंगे। दिस मिक्सचर इज मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, यहाँ पे उन्होंने ये एग्जाम्पल दी हुई है। अब यहाँ पे सम नीचे उन्होंने आपको वो ही दी हुई है मिक्सचर्स की कुछ एग्जाम्पल, सैलिड है, यहाँ पे आपके पास नट्स वगैरह दिए हुए हैं, आयरन के ये बटन्स हैं, अगर बटन में आयरन के हैं तो उनको कैसे सेपरेट करना है, तो वो भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर दिया है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करनी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है और हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकअल्लाह।